हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे गए एग्जाम में और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे, सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे और दोस्तों कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखें। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप क्वेश्चनों को देखें। दोस्तों पहले आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, अर्थात दोस्तों आपको पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, शॉर्ट में इसे आप कहते हैं WTO, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, जेनेवा में है या वाशिंगटन में है या फिर काठमांडू में है या फिर न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा में। कभी आपका देखिए स्विट्जरलैंड लिख के भी आता है, तो स्विट्जरलैंड जो है दोस्तों आपका वहीं जेनेवा में ही पड़ता है, तो आपका एक ही बात हो गई। और वैसे दोस्तों कभी वाशिंगटन में पूछा जाता है क्या है, यहाँ पर दोस्तों पहले तो राजधानी है अमेरिका की, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विश्व बैंक का बार बार पूछा जाता है। विश्व बैंक का दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और वैसे दोस्तों काठमांडू में क्या है, सार्क का मुख्यालय है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। सार्क जो कि एक देशों का समूह है, इसका मुख्यालय है। और वैसे दोस्तों न्यूयॉर्क में जो है वो आपका UNO अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सरकार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है, लोकतंत्र है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र की एक परिभाषा है, एक ओपिनियन है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया आपको बताना है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर इज ओपिनियन ऑफ, किसके द्वारा कहा गया, नेल्सन मंडेला के द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा या प्लेटो के द्वारा या फिर कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये दोस्तों नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया था। जो लोकतंत्र के बारे में दोस्तों उनकी परिभाषा थी वो ये थी दोस्तों कि सभी लोगों को सरकार में सहभागीदारी होनी चाहिए, तो वही दोस्तों एक प्रकार से लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिला कलेक्टर ऑफिस सर्वप्रथम कब शुरू किया गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह एक प्रकार की ब्रिटिश लेगेसी है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रिटिश राज में ही शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई आपको बताना है, 1830 में या 1785 में या 1772 में या 1835 में। ये दोस्तों आपकी शुरू की गई थी 1772 में दोस्तों, अर्थात 1772 में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों किसने शुरू की, तो ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने दोस्तों शुरू की थी, वारेन हेस्टिंग्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मीटिंग ऑफ द लोकसभा आर प्रोसीडेड ओवर बाय, आपको बताना है लोकसभा की मीटिंग की अगुवाई कौन करता है, ये प्रधानमंत्री के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या स्पीकर के द्वारा। ये दोस्तों स्पीकर के द्वारा होती है, आपने देखा होगा स्पीकर दोस्तों मुख्यतः बैठा रहता है और यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की अगुवाई करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, झेलम नदी का पुराना नाम क्या है। बार बार आता है कि बताइए झेलम नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों, व्हाट वाज द एंशियन नेम ऑफ झेलम रिवर। यह आपका वेतस्ता होगा, ब्राह्मी होगा, गोमुखी होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वेतस्ता। कभी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि बताइए ऋग्वेद के अनुसार झेलम का क्या नाम है, तो ये दोस्तों आपका वेतस्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में टोकन करेंसी किसने शुरू की, अर्थात आपको बताना दोस्तों टोकन करेंसी इन इंडिया वाज, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका इंट्रोड्यूस होगा बाय किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, मोहम्मद तुगलक या अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू की गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके द्वारा क्या होता है, आप करेंसी को दोस्तों बदल के एक प्रकार से गिरवी रख सकते हैं, तो ये टोकन प्रथा थी दोस्तों, तो मोहम्मद तुगलक ने शुरू की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऊपरी केंद्र किससे संबंधित है, अर्थात दोस्तों द एपी सेंटर इज कंसर्न विद, किससे दोस्तों, ये आपका ज्वारभाटा से या ज्वालामुखी से या आरंभिक भूकंप से या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा आरंभिक भूकंप से दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब भी पृथ्वी के अंदर दोस्तों कोई विस्फोट होने वाला होता है या फिर भूकंप आने वाला होता है दोस्तों, तो उसके पहले आरंभ में दोस्तों शुरुआत में जहाँ पर भी ये शुरू होता है दोस्तों भूकंप आना, मान लीजिए कंपन शुरू होता है एक मुख्य बिंदु से, तो उसके ठीक ऊपर दोस्तों जो बिंदु होता है उसे आप कहते हैं एपी सेंटर या फिर आप कहेंगे दोस्तों ऊपरी केंद्र भी आप कहेंगे हिंदी में, तो ये आपका होता है। और जहाँ से शुरू होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए वह बिंदु जहाँ से भूकंप शुरू होता है, तो वो दोस्तों आपका कहलाता है अवकेंद्र दोस्तों, आप याद रखेंगे अवकेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस ग्रह के पास में सर्वाधिक उपग्रह हैं, आपको बताना दोस्तों विच प्लेनेट हैज लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट।
ये बृहस्पति के पास में, मंगल के पास में, बुध के पास में, पृथ्वी के पास में। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे जुपिटर के पास में। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, बृहस्पति के पास में, जो कि सबसे बड़ा वाला ग्रह है, और इसके पास में दोस्तों सर्वाधिक उपग्रह हैं। उपग्रह का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो आपके उपग्रह कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप दोस्तों पृथ्वी का देखें तो इसका केवल एक उपग्रह है दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर है, वो आपका चंद्रमा है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और ग्रह क्या करते हैं दोस्तों, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नकद आरक्षित अनुपात किसकी पॉलिसी है? आपको बताना है दोस्तों, द कैश रिजर्व रेशियो इज द पॉलिसी ऑफ, ये आपका लोन पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी या एग्रीकल्चरल पॉलिसी या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसे आप शॉर्ट में दोस्तों क्या बोलते हैं, CRR भी बोलते हैं। तो इसका मतलब पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है वो है क्या। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो भी आपके सारे बैंक हैं उनको एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित राशि को, जो आपका RBI है दोस्तों, उसमें रखना पड़ता है। ये क्या है, ये कंडीशन होती है दोस्तों, एक प्रकार से नियम होता है, तो इसी को दोस्तों बोलते हैं CRR। तो एक कौन नियंत्रित करेगा दोस्तों, एक प्रकार से क्या नियंत्रित करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको, एक प्रकार से दोस्तों उसके अंदर आती है। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही आती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन BCG द लेटर सी स्टैंड फॉर, आपको बताना है BCG में सी अक्षर क्या प्रदर्शित करता है। BCG पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक प्रकार की वैक्सीन है, जो क्या करती है, जो कि दोस्तों आपका देखिए तपेदित में, अर्थात आप कहेंगे TV में दोस्तों इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर देखिए कि इनमें से आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है, सीरम होगा, कैलमेट होगा, कैलोरी होगा, कार्बेट होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप BCG का फुल फॉर्म देखें तो BCG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ये बेसिलस, BACILL US बेसिलस, और आपका सी से होता है दोस्तों कैलमेट, CALMETTE कैलमेट, और आपका जी से होता है दोस्तों ग्यूरिन, GURIN। तो ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों सी का क्या आया, कैलमेट आया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कैलमेट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के जमने पर उसका घनत्व होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाटर फ्रीजेस द डेंसिटी, ये पहले से बढ़ जाएगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी या बढ़ेगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, डेंसिटी के बारे में आपको बताया था हमने, घनत्व मतलब दोस्तों जब भी पानी में दोस्तों क्या होता है, पानी जब जमने लगता है तो उसका क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से आयतन बढ़ता है। आपने देखा होगा दोस्तों, मान लीजिए आपने पानी लिया एक ग्लास में, यदि आप इसको बर्फ़ के रूप में जमाएं दोस्तों, तो ये बर्फ़ बनने पर दोस्तों बाहर गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो आयतन बढ़ेगा दोस्तों, आपको पता है आयतन जो होता है वो आपका डेंसिटी का दोस्तों इन्वर्स होता है, अर्थात आपका घनत्व दोस्तों जितना कम होगा उतना आयतन ज़्यादा होगा, और आयतन बढ़ेगा तो आपका घनत्व घटेगा दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, जब आपका फ्रीजिंग में होता है तो वो एक प्रकार से आयतन वहाँ पर बढ़ता है, तो आयतन बढ़ेगा दोस्तों, वहाँ पर आपका डेंसिटी घटेगी, तो आप कहेंगे दोस्तों जमने पर घनत्व में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और आपको बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों डेंसिटी आपकी सर्वाधिक होती है, और वॉल्यूम दोस्तों आपका मिनिमम होता है, कम से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन विस्थापित नहीं कर पाता? आपको बताना है, द एसिड दैट फेल टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाई कार्बोनेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देखें यदि रिएक्शन को, पहले आप सोडियम बाई कार्बोनेट को देखें, NaHCO3 होता है, जो कि दोस्तों आपका बेकिंग सोडा कहलाता है। कभी क्वेश्चन आता है, नाम पूछा जाता कभी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका यदि आप आयनाइजेशन करें तो इसमें दोस्तों आप रिएक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका Na+ और प्लस HCO3-। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका HCO3- से स्ट्रॉन्ग होगा वही दोस्तों CO2 को विस्थापित कर पाएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया कार्बोनिक अम्ल दोस्तों, एक कार्बोलिक अम्ल दिया है, एक बेंजोइक अम्ल दिया है, और कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका हो जाएगा कार्बोलिक अम्ल दोस्तों। आप याद रखेंगे, कार्बोलिक मतलब आपका होता है दोस्तों एक प्रकार से फिनोल आप कहेंगे, तो फिनोल जो होता है दोस्तों क्या करता है, वो विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों वो क्या होता है, इससे दोस्तों विकर होता है, तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन एक अवयवीय राशि है? आपको बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, डायमेंशन का मतलब आपको पता होगा, डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका विमेय सूत्र होता है दोस्तों वो आपका MLT में लिखा जाता है इस प्रकार से। इसमें दोस्तों M मतलब आपका द्रव्यमान को दिखाता है, L मतलब आपका लंबाई को, T मतलब समय को दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों,
आप उनकी विमाएं नहीं लिख पाएंगे जिनका अनुपात क्या होगा, जिनका कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए साफ तौर पर विकृति जो होती है उसका दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता। इनमें आपका प्लांक नियतांक दिया, गैस नियतांक दिया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया है, सभी का दोस्तों मात्रक होता है। लेकिन विकृति मतलब दोस्तों आपका जो आपका स्ट्रेस होती है, तो मान लीजिए आपने कोई लंबाई एल लंबाई का तार लिया, इसको आपने खींचा तो डेल्टा एल बन गया लंबाई में, अर्थात टोटल लंबाई कितनी हो गई दोस्तों, एल प्लस डेल्टा एल हो गई। अब आपको पूछा जाए कि बताइए विकृति कितनी हुई, तो आप कहेंगे डेल्टा एल बट्टे एल, अर्थात दोस्तों लंबाई का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप मात्रक लिखें दोस्तों, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और नीचे भी दोस्तों लंबाई है तो लंबाई का मात्रक यहाँ भी आपका मीटर होगा, तो ये कट जाएगा आपका। तो इसका कोई भी दोस्तों मात्रक आपको नहीं दिखेगा, तो इसीलिए आप कहेंगे दोस्तों इसका कोई भी विमा नहीं होगी दोस्तों। आप ऑप्शन नंबर आप विकृति में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वस्तु का वह गुण जो वेग परिवर्तन का विरोध करता है, आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रजिस्ट चेंज इन वेलोसिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी का या फिर आप गति का भी कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो गति का विरोध करता है एक प्रकार से, वो क्या गुण कहलाता है, भार कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा, या गुरुत्व केंद्र होगा, या द्रव्यमान केंद्र होगा। ये दोस्तों आपका होता है जड़त्व, अर्थात दोस्तों आपका इनर्शिया होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इनर्शिया है क्या, पहले आप समझेंगे। आपने गति का प्रथम नियम पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें न्यूटन कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो होती है, मान लीजिए आपकी गतिमान है तो वो दोस्तों गतिमान ही रहेगी, या फिर रुकी हुई है दोस्तों तो अपनी स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों कोई भी वस्तु अपने मूल अवस्था में होने का गुण रखती है। आप देखिए आप कोई भी वस्तु को पकड़ें तो अपनी मूल अवस्था में जाने के लिए एक प्रकार से हमेशा तत्पर रहती है, तो उसी गुण को कहते हैं दोस्तों आप जड़त्व, जो कि मूल अवस्था में जाने का गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्तदाब को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों विच हार्मोन कंट्रोल ब्लड प्रेशर, आपको बताना है। यह आपका ऑक्सीटोसिन होगा, या फिर आपका एस्ट्रोजन होगा, या वैसोप्रेसिन होगा, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका वैसोप्रेसिन हो जाएगा, जो कि दोस्तों एक प्रकार से इंजेक्शन है, हार्मोन है दोस्तों जो बाहर से दिया जाता है। मान लीजिए कोई रक्तदाब किन्हीं का कम हो गया दोस्तों, तो उसे बढ़ाने के लिए ये दोस्तों दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग जीन अनियमितता से संबंधित है, आपको बताना है। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स एज। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, स्कर्वी होगा, या हीमोफीलिया होगा, या रेबीज होगा, या कैंसर होगा। इनमें दोस्तों आपका देखिए हीमोफीलिया हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको हमने बताया था ऐसे रोगी को दोस्तों क्या होता है, हीमोफीलिया वाले रोगी को, उसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता नहीं होती, अर्थात दोस्तों जो आपका हीमोग्लोबिन बनाने वाला अंदर तत्व तो होना चाहिए उसमें अनुपस्थित रहता है। ये क्यों होता है दोस्तों, ये एक प्रकार से जेनेटिक रोग है दोस्तों, अर्थात जो जीन होते हैं उनका सही से न मिलने के कारण ये रोग पैदा होता है। तो मान लीजिए आपको किसी में भी कमी हो गई, एक्स या वाई जिसमें भी कमी होगी दोस्तों गुणसूत्रों में, तो उससे दोस्तों एक प्रकार का रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो जो भी दोस्तों आपके जो आपके जन्मजात रोग होते हैं दोस्तों एक प्रकार से वो जीन डिफेक्टिव के कारण ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बारिश की बूंदें डैडेस के कारण गोल होती हैं, आपको बताना है। रेन ड्रॉप्स आर स्फीयर इन शेप ड्यू टू तन्यता के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, पुरुषत्व तनाव के कारण, या श्यानता के कारण। आपको पता होगा दोस्तों ये आपका पुरुषत्व तनाव हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा दोस्तों जो कि आपका होता है प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, अर्थात दोस्तों एफ अपॉन एल। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी कोई यहाँ पर छोटी सी बूंद है, ये क्या करती है दोस्तों एक प्रकार से इस पर एक बल लगता है ऊपरी सरफेस पे, जो कि इसको अंदर की ओर खींचे रहता है। तो इसी बल के कारण दोस्तों क्या हो जाता है, गोलाकार शेप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक स्वपोषी है, आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑटोट्रॉप्स, ये आपका अमरबेल होगा, या शैवाल, या मशरूम, या तितली। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा शैवाल दोस्तों। शैवाल दोस्तों एक प्रकार से आपको पता होगा इसे आप एल्गी भी कहते हैं दोस्तों, एल्गी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश की उपस्थिति में और सीओटी की उपस्थिति में दोस्तों फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा दोस्तों भोजन बनाते हैं। तो एक प्रकार से आप कहेंगे स्वपोषी पोषक हैं दोस्तों, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँचे, और भी इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।